अभिषेक जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड मैम वही क्या किया मैंने वो एवरीबॉडी एल्स मैं कोई एक्सक्यूज नहीं है बाकी उन्होंने भी तो किया और मैम फिर तो किसी ने ये भी कहा था कि मैं करके ही आना चाहता हूँ तो बेटर तुम फिर अब निकलो अगर तुमसे चार टास्क नहीं हो रहे तो आई एम नॉट बीइंग इम्यून जस्ट बिकॉज ऑफ दी समबडी एल्स जैसे प्रिया अगर आज तू घर जाएगी ना तेरी जगह मैं चल जाऊंगा घर नहीं अभिषेक ये बोलने की बात है अभिषेक बोलने की बात नहीं है मैं बोल रहा हूं मैं अपने लपनों पे पूरा बैठता हूं ठीक है मैं को खुद डिसअपॉइंटमेंट है चार टास्क किए मैंने कुछ नहीं किया एग्जैक्टली तो मैं डिसअपॉइंटमेंट होने भी चाहिए वोट आउट हो गया ना मैं जाऊंगा तेरी जगह तू बोल मत ये मत बोल के मैंने कुछ नहीं किया आई वाज वेरी अपसेट मुझे यही लग रहा था कि अगर आज मैं जाऊंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसी और की गलती की वजह से जाऊंगी जो खुद परफॉर्म नहीं कर पाया मैं तेरी टीम में था हम एक टीम में थे मैं जीता बैक स्पोर्ट तो फिर अपने दोस्तों के साथ टास्क करो ना यार तुम अगर ग्रुप में पहले बैठे हो दोस्तों के साथ टास्क करो बोलते थी मैम को नहीं करना मेरे को अभिषेक के साथ टास्क बोलना चाहिए था तो बोलना चाहिए था ना कृति बोलना चाहिए था आप टास्क जीत जाते हो तो आप गले लगाते हो हाँ ये हम जीत गए ऑल द बेस्ट जब हार जाते हो तुम एक दूसरे की लेते हो यार तुम हद है यार तुम्हारी मैंने कल भी तेरे लिए टास्क किया था और मैंने 101% दिया था आज मैंने 101% दिया और तू मुझे बोल रही है कि तू जानबूझ के हारना चाहता है तू मुझे हराना चाहता है मुझे फेयर चांस नहीं मिला ये है वो अगर आज के बाद ना मैं तो मुंह पे बोल दूंगा मेरे को कृति के साथ तो टास्क करना ही नहीं है मुझे निकालना है निकाल दो किसी और के साथ करवाना तो करवा लेकिन कृति बिग नो सोनू ठीक नहीं हो सर ठीक हूँ मैं पर सब घूम रहा है इशू था कि वो गिर गया था सर के बल सारा वेट सर पे आने के कारण उसको चोट लगी थी और वो ब्लैकआउट हो गया था स्लो क्लैप्स व्हाट डू यू वांट टियारा ले आऊं एक बहुत हीरो बनना था ना आपको हाईली इनसिक्योर्ड पहली बात देखो सुनो मेरी बात हाईली इनसिक्योर्ड आपको पता है आपको पता था ये बात कि शरण यहाँ आ जाएगा जो ये हीरोपंती आप कर रहे हो ना वो सारी उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी इनसिक्योर थे आप ठीक है थे आप एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप थे ठीक है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था मैं चाहती थी कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं बिकॉज आई हेट द फैक्ट कि कोई मुझे बिट्रे करे Prince, good, you are here. आपको पता है इसकी फुद्दू हरकत की वजह से हमारा गैंग हाईलाइट हो चुका है अगर ये मुझे एक बार भी ऐसे बोलते ना सर कि अगर शरण आता है तो हमारी गैंग को इस चीज़ से खतरा है मैं ऑनेस्टली महक का नाम लिखती हूँ शरण का नाम नहीं लिखती बिकॉज मैं अपने दोस्त को यहाँ लेने नहीं आई थी इट वॉज अबाउट अ गैंग अगर तुम आपस में एक राय लेकर नहीं चलोगे तो बहुत जल्दी वैनिश हो जाओ कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मैं साफ बोल देता हूँ अगर मुझे कल को लगेगा तो हमारे गैंग के अगेंस्ट आ रहा है तो कुछ और बोलता रहता है मैं इनको ऑप्शन दूंगा कि वोट आउट में कोई आए तो तुझे निकाल दो क्योंकि जब तक गैंग अपना नहीं है अगर तुम्हारी वोट पाँच से गिनती नहीं शुरू हो तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे प्रिंस ने समझाया जो स्टूपिडिटी कशिश ने करी उसका फ़ायदा बाकी के गैंग मेंबर्स उठाएंगे क्योंकि हमारे में ही यूनिटी नहीं है One girl, what I have in my head is Priya, and one guy, what I have in my head is Abhishek. चार टास्क नहीं कर पाया वो. चार टास्क. नहीं यार अभिषेक को मत करो. तुझे निकाल दे निष्कर्ष. निष्कर्ष. I'm writing your name. I'm saying it on your face. You're not willing to. You want me to vote? अभिषेक को मत निकालो यार उसने मेहनत किया. तो किसको निकाले? बात मत करो निष्कर्ष. तो मैं निकाल दे. मेरे लिए मैं पिच नहीं करूँगा. उसके लिए मैं पिच कर दूंगा. उसको मत निकाल भाई काम कर प्लीज इस टेंट से चला जा फिर अगर इफ यू हैव टू से दिस आई विल डेफिनेटली वोट यू आउट अच्छा चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा ठीक है भाईचारा दिखा रहे हैं तो बगल वाले टेंट है वहां चले जाओ समथिंग वाज वेरी रॉन्ग विद निष्कर्ष पता नहीं शायद वो बहुत दुखी था कि निखिल सर ने उसको रिप्लेस कर दिया है या क्या वो ट्राई नहीं कर रहा था पागल हो गया क्या निष्कर्ष नहीं मन मेरा अब मैं अब करना का मन होगा मैं कर लूंगा आपको पता है आप कितने फुद्दू लग रहे हो ये बोलते हुए बहुत हद से ज़्यादा बट मुझे पता था अगर मैं ही ऐसी बातें करूंगा तो लोग मेरे साथ होंगे और मेरे लिए दूसरों को पिच करने जाएंगे ये मेरा मास्टर प्लान था अगर आप आज मुझे सेव करते हो तो मैं कहीं ना कहीं आपको पे बैक जरूर करूंगा एंड आई एम अ वेरी लॉयल एंड अ सपोर्टर वेरी लॉयल सपोर्टर तो आप मत बोलना लॉयल बोल देना सपोर्टर मत बोलना सपोर्टर मत बोलना आपको पता जब अभिषेक टास्क कर रहा था आप उस पर चिल्ला रहे थे instead of motivating him 25 मिनट के लास्ट के 2-3 मिनट में था वो आपको नहीं पता अभिषेक और मैंने इसको स्टार्टिंग में बहुत एनकरेज करा नहीं मेरे को आप ये बताओ फरज दो आप बात रहने दो करना नहीं आप कौन होती हूँ उसको ऐसे बोलने मैं बहुत कुछ होती हूँ उसके लिए वो तो मेरा पीछा कर रही थी कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ ताकि उसके जो दोस्तों से बात करूँ तो वो उसी टाइम मना कर सके सो शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि वो मेरे अगेंस्ट में वोट करें आप आई कैन नॉट टेल यू दैट्स फॉर श्योर दैट्स ओके बट आई रियली आई ट्राइड माई बेस्ट आई होप
you'll do something good in my favor. Thanks. मेरे को आपसे एक बात पूछनी है कृति. मेरे को आज कन्विंस करना है लोगों को. I'm sorry. You have to. मुझे पता है कि उसे मैं ज़्यादा पसंद नहीं हूँ. मे बी द जेलसी फैक्टर इज देयर जो उसकी आंखों में मुझे दिखता है अपने लिए. कितनी क्या बंदी है यार वो. इतना चीपेस्ट ह्यूमन इमोशन कौन बता सकता है किसी को. बंदा वहाँ पे टास्क कर रहा है 50 बार गिर के तू 50 बार फिर मुक्के. तूने हार नहीं मानी एक बार भी. वो कैसे ऐसे बोल सकती है. टट्टी भरी उसके दिमाग में. बट हारा तो हारा होता ना यार. हारा हारा कुछ नहीं होता यार. यू स्टॉप डूइंग. लड़के हारना बहुत मैटर करता है. मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और मैंने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए आज अभिषेक को सेव करना ही करना है. गाइस अभिषेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. जो भी जर्नी अभी तक हुई है जितने भी टास्क हुए उसने उन सब में परफॉर्म करा है और उसने अपना 100% दिया है. अगर आप उसे आज रखेंगे तो आप टीम नेहा का बहुत बढ़िया सपोर्ट पाएंगे. और मैं चाहूँगी कि ये लोग प्रिया को सेव करें. कृति को इसलिए मैं नहीं चूज़ करूँगी क्योंकि मैं खुद बहुत बोलती हूँ, कृति भी बहुत बोलती है, तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी और आई थिंक फिजिकल टास्क कितना इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी. आई वुड अप्रिशिएट अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात सिर्फ अपने तक अपना ओपिनियन रखें. मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में कॉमेंट ना करिए प्लीज़. कृति आप ना अपना माइंड सेट करो. आपको पता है आप बदलते रहते हो. आप जैसे हवा बदलती है ना आप वैसे बदलते हो. आप आज बचोगे भी ना तो भी मैं आपको यही समझाऊंगी कि बच्चे अपने आप को ना थोड़ा स्टेबल करो लाइफ में. आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए. मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. बाकी मैं आपके साथ ज्यादा कॉन्वर्सेशन में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ. सो इट्स ओके. Okay, baby. It's there is no use कि मैं एक दीवार के सामने अपना सर. If you will get saved, you have to come to me. Oh. No, sorry. We both will have to go along then. I don't have to come to you. We will go along. We'll go along, Kriti. But how we'll go along, that will matter. Nishkarsh. मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो मेरे को वोट आउट कर रहे हैं. आज इम्यूनिटी के लिए मैंने परफॉर्म करना इम्पोर्टेंट समझा रादर देन पिचिंग फॉर इट. सो जो लोग मेरे को वोट आउट करना चाहते हैं अगर आप परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट करते हैं प्लीज़ मेरे को वोट आउट मत करना. सर हमेशा परफॉर्मेंस नहीं होती. समटाइम्स यू हैव टू एक्ट स्मार्ट. निष्कर्ष एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी हार सकता है अगर उसमें कॉन्फिडेंस ना हो. निष्कर्ष बहुत अच्छा ही इज अ गुड परफॉर्मर पर उसमें कहीं ना मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है. आज उसने 5 बॉलें निकाली हैं सबसे ज्यादा. व्हाट आर यू थिंकिंग सुरभि. आप नेहा के गैंग में हो. 3 स्पॉट बाकी हैं. लोग बहुत कम हैं. आप अपने आसपास बनाओ देखो गैंग कैसे भरे हुए हैं. उनके पास कौन कौन है आपके गैंग में. कौन आएगा किससे फायदा होगा किससे नुकसान होगा के बाद बात करो. Surbhi, you want a strong gang? Yes, I want a strong gang. Or do you want a kitty party? Don't get over smart. You're barely there in the IQ space. All pitches done, roadies. आप जाएंगे वहां पर दो अलग अलग कार्ड पर एक पे एक लड़के का नाम लिखेंगे और दूसरे पे एक लड़की का. मैगदीप निष्कर्ष इधर बता अगर उन्होंने बोला कि हर टीम से एक बंदा जाएगा तो तुम निखिल सर की टीम से किसको निकालोगे. रोहन. वैसे तो मेरे सारे ही दोस्त हैं बट अगर हमें पक्का टारगेट करना है तो मेरा प्रेफरेंस महक की तरफ रहेगा. क्यों? क्योंकि महक तेरा दोस्त नहीं है. महक मेरा दोस्त है. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बट पहले तीनों के साथ अच्छा कनेक्ट. रोहन इज अ परफॉर्मर. यू सॉ हिम परफॉर्मिंग. तूने मुझसे बात पूछी. मैं तेरे साथ पूछा और मैंने ऑनेस्ट आंसर दे दिया. मेरा या फिर पता है ऐसे वोट स्प्लिट होंगे. वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन. आज जिस तरह से वो खोद रहा था ना वो तेरे को भी खोद के बाहर निकाल लेता अगर तू गड़ा होता तो. ठीक है अलायंस बनाने के भी सोचो ना आगे. हमें नहीं बनानी अलायंस. हम लोमड़ी हैं. मेरे को तो अलायंस बनानी है. अगर मेरे को अलायंस बनानी है मुझे पता है मैं उसको ट्रस्ट कर सकता हूं. आराम से अरे कोई हम तेरा ट्रस्ट क्यों देखें. यहां पे गैंग की बात हो रही है. 3 वोट जा रहे हैं. अगर हो सकता है कल आपको सुरभि 3 वोट कर रहे हैं वहां से मैं तीनों को मना सकता हूं आपके अगेंस्ट ना करे. वो क्यों नहीं मना सकते. नहीं मना सकते. आप अपने गैंग मेंबर्स को नहीं मना पा रहे हो अभी.
ये टीम नेहा है या टीम निखिल है? है? क्या है? ये क्या चीज दे दी है भगवान ने हमको, इसका क्या करूं मैं? वो दो गैंग एक हो गई है तो अपन दोनों गैंग एक होना ही पड़ेगा, वरना वो इन्फ्लुएंस करके चढ़ेंगे ऊपर, पावर नहीं दिखेगा, पावर नहीं दिखेगा। मैं निकल रही हूं, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? दो लोगों के हां, अच्छा तू कह रहा है प्रिंस सर वाले इसको कर रहे हैं बाहर? हां, प्रिंस सर और वो एक एक बंदे से बुलवा ले, मैं तेरे साथ। अरे तेरे सामने कोई नहीं बोलेगा यार, ये कैसा है? तेरे को दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। मुझे बोला गया है? किसने बोला? किसने बोला यार? मैंने मां कसम खाई है, सॉरी मैं नहीं बोल सकता। अब मां कसम मैं फिर और किसी को और वोट नहीं कर सकता। कृति को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग चल रही है, और जो वो बिल्कुल भी नहीं था। एक बात बताओ, मैं अपनी गैंग के साथ हूँ, मेरा किसी और के लिए डिसीजन तुम मेरे को क्यों मैनिपुलेट करते हो? मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं कर रहा ना, मैं तेरे अगेंस्ट कभी वोट नहीं करूंगा, तेरे अगेंस्ट कभी वोट नहीं करूंगा। तुम ये बताओगे मैं किसको वोट करूं? तुम्हें कभी नहीं कर रहा, और क्या चाहिए तुम्हें? यार तू कैसी सी बातें कर रहा है, व्हाई विल यू वोट आउट अगेन? तुझे समझ आ रही है कैसा समय मिला हमें? तो अच्छा, मेरा अपना वोट नहीं है, मैं अपना मेरा मतलब यार, वी गैंग शुड वोट फॉर वन पर्सन। फ्रेंडशिप कब तक आगे चलाओगे? अगर अलायंस होगी तुम्हारा गैंग बचा रहेगा, तभी तुम आगे सर्वाइव कर सकते हो। सर मुझे कुछ कहना है, आई थिंक निष्कर्ष ने इसलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि इसका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है टीम निखिल के लिए, और हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमें टीम निखिल को साइड में रखना पड़ता है, बिकॉज निष्कर्ष अपनी गैंग को सपोर्ट नहीं करेगा अगर निष्कर्ष की टीम कोई भी डिसीजन टीम निखिल के अगेंस्ट लेना चाहे तो। निष्कर्ष, बिग एलिगेशन। मैंने इन्हें बहुत बार समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, किसी को भी अगर तुम्हारे अगेंस्ट होगा मैं तुम्हें ही बचाऊंगा, बट ये मान ही नहीं रहे। निष्कर्ष बात ये है कि आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं बोल चुका हूँ, कितनी बार बोलूँ? आप ट्रस्ट बोलना और दिखाना दो डिफरेंट चीज़ें होती है ना, अगर आप 24 घंटे उन्हीं के टेंट में रहोगे, उनसे ही बातें करोगे, तो हमें कैसे लगेगा कि आप हमारे साथ रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हो कि नहीं? निखिल सर के गैंग से पूछते हैं मैं, तू बता निष्कर्ष क्या करने आता है, किसके लिए आता है, ये सॉफ्ट स्पॉट किसके लिए है? ये हमारे टेंट में आता है, ब्लेम इस पे ऐसे ही लगते हैं बेचारे पे कि किसी ना किसी के पीछे आता है कभी, मतलब सुनने में आई थी उड़ती उड़ती खबर पहले के श्रुति को लाइक करता है या कुछ। What? तो मतलब मैंने कहा मेरा सबके साथ अच्छा बॉन्ड है, पता नहीं अपने आप बातें निकाल रहे। मैं हर किसी के साथ जाके एक फ्रेंडशिप एक बॉन्ड बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता। सुरभि का प्रॉब्लम यह है कि शी लाइक्स टू बी इन कंट्रोल। और वो निष्कर्ष को कंट्रोल नहीं कर पा रही। नेहा, आपकी गैंग की कमजोरी आपका ही गैंग मेंबर है। नहीं, ये ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं इन्हें, क्या पता अभी तो पहला वोट आउट है। निष्कर्ष, वी वांटेड टू मेक अलायंस विद रफ्तार सर्स टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई आल्सो वांट टू, वी वांटेड टू कम टू अ कंक्लूजन, राइट? बिल्कुल, आने से लाइक 5 मिनट्स बैक, नॉट इवन 10, इससे पूछा गया कि निष्कर्ष क्या डिसीजन है, एंड इज लाइक एनोनिमस होगा यार। आई मीन रियली मैन, मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगा। सेंसेस हमें नहीं करोगे, तुम निखिल सर के गैंग को नहीं करोगे, तो मैं तुम 8 लोगों को तुम कभी नहीं करोगे, तो भाई रफ्तार सर की टीम और प्रिंस सर की टीम आप टारगेट में है निष्कर्ष के। सुरभि, मैं निखिल सर के गैंग को कर सकता हूँ, आपको क्यों लग रहा है मैं नहीं कर सकता? जस्ट गेट दिस इन योर हेड कि तेरे हमारे अगेंस्ट में वोट करने से कुछ नहीं होगा, तेरा अगर हमें तेरी मेजॉरिटी चाहिए तो प्रोबेबली हमारा सर्वाइवल बढ़ जाए। बोल कैसे सकते हो, कभी कहते हो अलायंस बनाओ, जाओ जाता हूँ तो वहाँ क्यों जाता है? आपको कोई कन्विंस ही नहीं कर सकता निष्कर्ष, आपको कन्विंस कर, आप अपने ना अपने जोन में रहते हो। मैं बस मैं हूँ, पता हाँ, मैं क्यों लड़ती हूँ? क्योंकि मेरे पास मैं गलत चीज के अगेंस्ट बोल सकती हूँ, जिसको जो समझना है समझो, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, मैं गलत देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ, बस तुम लोग नहीं बोल सकते, तुम लोगों का भूता है। मेरे पास है करेज तो मैं बोलती हूँ, ठीक है? आपने एक सेंटेंस बोला था निशा, उसके बाद आप अपनी बातों पे आ गए थे। मैंने इसको रोका या नहीं? अरे अच्छा किट मैन, सीरियसली इट्स ऑफ नो यूज ऑफ डिस्कसिंग एनीथिंग विद यू मैन। नेहा, मैम के गैंग क्या कुछ बोलना चाहते हैं उनसे? किसी को ऐसे लग रहा है कि आज वो डेंजर में है? मैं तो डेफिनेटली डेंजर में हूँ क्योंकि मैं बोलती हूँ। मैं डेफिनेटली डेंजर में क्योंकि मुझे तो ओपनली बोला गया है। अगर इन्हें डेंजर लग रहा है तो मेरे को नॉमिनेट कर दो।
मैं नॉमिनेट हो जाता हूं। निशु, तुम्हारे लिए इतना प्यार है, तुम्हें कौन वोट आउट करेगा? श्रुति, ट्रूथ मीटर, क्या निष्कर्ष को ऐसा आज लग रहा है कि वो खतरे में है, वो वोट आउट हो जाएगा? नहीं पता, एक्चुअली वो बहुत कंफ्यूज्ड रहता है। वो कभी बोलता है कि मैं आउट हो जाऊंगा, कभी बोलता है मैं रह जाऊंगा। आपके बहुत अच्छे दोस्त की ओपिनियन है आपके लिए कि आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। आपको हर चीज अलग तरीके से क्यों लेनी होती है सुरभि? आई सेड इट क्लियर, वो कभी कभार कंफ्यूज रहता है। वो आपके लिए जितना लॉयल है शायद हमारे लिए नहीं है। आपको पता नहीं उसने हमारे टेंट में आके क्या बोला। यू जस्ट मेकिंग अजम्पशंस और आपको लगता है सिर्फ आप ही सही हो। अच्छा, निखिल का गैंग निखिल से कुछ बात करना चाहता है? सर, आज जितने नाम सुनने में आए थे, सबसे ज्यादा माई गैंग में से सिर्फ रोहन का नाम सुनने में आया था। तो आई थिंक उसको आप बचा लो। मतलब आप कह रहे हो आप खुद को वोट आउट के नॉमिनेट करवा सकते हो, बट रोहन को मत करो बिकॉज़ उसका नाम थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है, इज व्हाट यू आर सेइंग? दैट्स अमेजिंग टू नो कि आपका गैंग इज थिंकिंग फॉर द गैंग। सबने आपसे बात कर लिया, आपके गैंग्स ने। नाउ इट्स द टाइम, वी स्टार्ट विद निखिल। निखिल, श्रुति एंड शुभदा। श्रुति एंड शुभदा क्यों? आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, मगर मुझे लगता है कि शायद इनके दोस्त इनके लिए वोट नहीं डालेंगे। किसको मिस करोगे यहां से सबसे ज्यादा? सुरभि। क्यों? आई गेस शी इज द वन जो हमेशा मेरे साथ थी, एंड वेन एवर आई फील अलोन शी विल कम एंड कम्फर्ट मी। एंड खुशी से भी ये बोलना था कि आई रियली लाइक हिम एज माई ब्रदर, एज माई फ्रेंड। जी इज़ अ ग्रेट गर्ल। मैंने इसको एक बार पूछा था कि तू क्यों आई है, इसने मुझे बोला था मैं उस लड़की के लिए आई हूँ जिसके पास टैलेंट होता है लेकिन अपनी फैमिली के कारण जो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी लड़कियों को लेके, मैं उनके लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ। शी केम फॉर अ वेरी ग्रेट रीजन, शी स्टैंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड आई हैट्स ऑफ टू हर। शी इज द रियल रोडी ओवर हियर। फारा, यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड जिस तरीके से तुम जा रही हो। एंड फारा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम जस्ट वुमन टू वुमन। ये जो सैक्रिफाइस की क्वालिटी है ना, आखिर में एक औरत ही देती है। सो रिमेम्बर दिस, जितने लोग ये शो देखेंगे तुम्हें जरूर याद रखेंगे, एंड यू आर अ वॉइस फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर। ऑलराइट, यू वांट टू से बाय टू योर फ्रेंड्स? जितना भी जर्नी था आई enjoyed it, अच्छा लगा, and I hope that मैं कुछ ना कुछ अच्छे से कर लूँ मेरी लाइफ में आगे जाके।